आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। गाइस यहाँ पर पांच क्वेश्चन दिया गया है और हमें एक्स वाई जेड वैल्यूज को निकालने के लिए ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर वन उठा लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरे को जाएंगे। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ये पैरेललोग्राम को अगर आप लोग देखेंगे, ये पैरेललोग्राम दिया गया है, इसको देख के हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। गाइस ये पैरेललोग्राम का एक्स वाई जेड वैल्यू निकालना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरा इससे पहले जो क्वेश्चन का हम लोग आंसर किया सभी को प्रॉपर्टीज यूज करके कर रहे हैं, इसको भी वही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग करेंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? अपोजिट साइड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट एंगल्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होता है। अपोजिट एंगल्स एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल सी होता है। अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से। चलिए वही प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इसको आंसर करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर रहेगा, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद रखिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर एंगल बी 100 डिग्री है, तो एंगल डी क्या होगा? 100 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जो है वो 100 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे हुआ? एज एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन, ये क्वेश्चन ने हमें दिया है, एज एंगल बी इज इक्वल 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। चलिए और एंगल डी का वैल्यू क्या है? वाई है, हमें मिल गया है वाई हमें मिल गया है। So y is equal to 100 degree. ये एक मिल गया, y is equal to 100 degree. ये एक हमें मिल गया, क्योंकि हमें एक एक करके x, y, z एंगल निकालना है, तो एक एंगल हमें मिल गया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y is equal to 100 degree बोल के हम लोगों का एक मिल गया है। चलिए ये हो गया। अभी x, y के बारे में हम लोग सोचते हैं क्या है। देखिए हमें पता है कि adjacent angles, the sum of adjacent angles is equal to 180 degree. अगर मैं कौन सा भी एडजेसेंट एंगल कंसीडर करूं, डी और ए को चलिए कंसीडर करते हैं, नहीं तो ए और बी को कंसीडर करते हैं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। कैसे हो गया? मैं लेफ्ट साइड पर जो एंगल बी है प्लस होके आड होके रहा है, मैं उसको जब राइट साइड को मूव करूंगा वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए प्लस बी जब राइट साइड को जाएगा वो माइनस बी हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ये मिला हमें। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, और एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्योंकि एंगल बी का वैल्यू 100 डिग्री है। और मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्या मिला? 80 डिग्री मिला।
एंगल है क्या है, क्वेश्चन हमें दिया है कि एंगल ए, ए बोले तो क्या है, जेड है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें मिल गया जेड का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग जेड का वैल्यू मिल गया, जेड का वैल्यू 80 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं गाइस। और एक चीज देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। जैसे कि ये हमें 80 डिग्री मिला है, जैसे कि ये हमें 80 डिग्री मिला है, एंगल सी भी 80 डिग्री होगा। सो क्या होगा, तो फिर एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू भी हमें मिल गया। चलिए वही हम लोग करते हैं, एज तो क्या लिखेंगे, एज एंगल ए, एज एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और वी कैन से व्हाट, वी कैन से एंगल वाई इज इक्वल टू, वी कैन से एंगल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल सी कुछ भी नहीं है, एंगल एक्स है, एंगल एक्स इज इक्वल टू, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये पार्ट का भी हम लोग सॉल्व कर दिए, तो क्या मिला हमें, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री मिला है। तो गाइज एक एक करके हम लोग हर एक वैल्यू निकाल दिए, क्या क्या निकाले, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री निकाले, वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री निकाले हम लोग, और जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री हम लोग निकाले, जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री निकाले, यही है हम लोगों का आंसर। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया। We'll be right back.